तुम्हें ही पता है भाई, बाहर आ जाए कुछ भी होने लगे उस पे। आपके पास पैसा नहीं है, बेटा कह रहा है सिस्टम। अब वही हालिद का है भाई, हम सारे खड़े अलीश भैया के सपोर्ट में। हां सिस्टम के, सिस्टम फाड़ देंगे। अब पुलिस पकड़ गई, अब तुम भगाओ इसे भाई, नहीं सच बात देखो भाई, चारा ऑन टॉप सिस्टम, सिस्टम फाड़ देंगे बस भाई, सिस्टम है अलीश यादव। अब झूठा इल्जाम लगा के गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये 3-4 दिन में वापस आ। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यलवेश यादव की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक तरीके से युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। ऐसे में आज हम ग्राउंड पर निकले हैं कुछ युवाओं से उनकी राय जानने कि आखिर यलवेश यादव को कैसे वो समझते हैं और क्या जो यलवेश यादव कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या ये जानते हैं सीधे युवाओं से। भैया क्या नाम है आपका? भाई अमन है। क्या करते हैं भाई? अभी तो हम कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यलवेश यादव गिरफ्तार हुए हैं, आपको पता है? हाँ पता है भाई, फैन हूँ यलवेश यादव का। फैन है? हाँ जी भाई। जो उन्होंने किया लगता है वो कर सकते हैं, मतलब सांप के जहर भाई, मैं स्टार्टिंग से देख के आ रहा हूँ उनको, और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो झूठा निजाम है फंसाने का और कुछ नहीं। पिछली बार भी हुआ था चोटिए भरी, इस बार भी वही होगा, अभी आ जाएंगे कुछ दिनों बाद भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से यलवेश यादव उग्र होकर मतलब सिस्टम करके और सारी चीजें करके जनता को उग्र करते हैं, अभी हाल ही फिलहाल में मैक्स टर्न के साथ एक केस हुआ जिसमें उन्होंने मारपीट की, लगता है आपको सही है? भाई मेरे को सही है, अगर मेरे को कोई माँ बाप की गाली देगा मैं तो चाटा मारूंगा सीधा। अच्छा मतलब हिंसक होना सही है? अरे हिंसक होना ये बात भी है, पर कितना सह सकता है बंदा उसको? पुलिस ने तकरीबन 3-4 बार पूछताछ की यलवेश यादव के बाद, उसके बाद गिरफ्तार किया है, तो क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं जब पुलिस को शक हुआ होगा तभी तो गिरफ्तार किया? शक गलत फहमियाँ तो होती रहती हैं और गलत इंजाम भी लगना बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है कि यलवेश यादव का ऐसा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता पहली बात, अगर होएगा भी कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं है। पर कितने बड़े बात, भाईचारे में बिलीव रखते हो? भाईचारे में बिलीव करते हैं, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप, सिस्टम सिस्टम ही सिस्टम। सिस्टम फाड़ने की बात कर रहे हैं, खुद सिस्टम में फंस गए, वही ये बात भी है। बट देखो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रही है मैम? मैम क्या कह रही है मैम? मैम क्या कह रही है, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ ऐसे सिस्टम नहीं होता। आपको लगता है कि यलवेश यादव जो ये सांप के जहर के बेनम है उसमें फेक है, आपको लगता है? क्योंकि पुलिस ने 3-4 बार पूछताछ की है, उसके बाद फिर अरेस्ट किया है। हाँ ये फेक है, क्योंकि फंसाने के तरीके हैं, फंसाने की तरीके और कुछ नहीं है, ये प्रूफ हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। अभी मैक्स टर्न के साथ भी उनकी लड़ाई हुई थी। हाँ हुई थी। तो उग्र होना मतलब उनकी फितरत में क्या लगता है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उनका नेचर ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है। आपने बिग बॉस में देखा क्या, वो कितने रिस्पेक्ट करते थे लेडीज की और अपने सारे दोस्तों की? रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बाकी अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो क्या लगता है आपको? देखिए इतने बड़े स्टार को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, अब उसको फंसाने के लिए उन्होंने ये सब हरकतें करी है, अब झूठा इल्जाम लगा के गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वो सांप के साथ बना रहे हैं वो। अरे मुझे बताओ वो वाली फोटो है ना, एक बार वीडियो सॉन्ग हुई थी, मतलब सॉन्ग हुआ था फाजलपुरिया का, तो उसमें फाजलपुरिया के उसमें उसको उनको रोल मिला था, तो उन्होंने रोल करा था, वो ऊपर सांप आया हुआ था, तो उन्होंने हमें देखा था क्या है, तो वही फोटो वायरल हो रही है और कुछ नहीं है। क्या लगता है कि मैक्स टर्न और यलवेश यादव की जो लड़ाई हुई थी उसको आप कैसे देखते हैं? मैक्स टर्न ने सही किया था? इसका कुछ भी नहीं बोल सकते वैसे। मैक्स टर्न कई दिन से पोक कर रहा था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तो लगातार पोक कर रहा। अब आदमी को मैक्स टर्न का फैन है, नहीं मैक्स टर्न का फैन है। जब लगातार आदमी को पोक करोगे तो अगला आदमी तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। अच्छा हमारे युवा किस तरफ जा रहे हैं, मतलब ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो उग्र? मैं नहीं चाहता ऐसे लोगों को फॉलो करे, मैं तो फॉलो करता हूँ ध्रुव राठी को, मैं तो सपोर्ट भी करता हूँ ध्रुव राठी और यलवेश यादव का भी बहुत चल रहा था। तो मैं तो सपोर्ट करूंगा ध्रुव राठी को, ध्रुव राठी जो क्या कह रहे हैं जयवर्धन जो
क्योंकि उसने जो जो बात बोली थी वही वही हो रहा है, सेम टू सेम वही चीज हो रही है भाई। वो फैक्ट के अकॉर्डिंग बोलता है, ध्रुव राठी फैक्ट के अकॉर्डिंग बोलता है। रिसर्च करके जो जो बात बोल रहा था वो आज सच हो रही है एलविस यादव के साथ। जो आज कंडीशन है एलविस यादव की, पहले तो वो सांप बाला, फिर किसी को थप्पड़ मार दिए थे कहीं जाके, फिर मैक्सटन को थप्पड़ मार दिए जाके वहाँ पे शॉप में। तो अच्छा, एलविस यादव सिस्टम करते रहते हैं, आज खुद ही सिस्टम के जाल में फंस गए। क्या लगता है कि मतलब इस सिस्टम से निकल पाएंगे? हाँ, निकल सकते हैं, बट थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी उनको, क्योंकि शुरू से ही ऐसे कांड करते आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी। कौन सा कांड? कौन सा अगेंस्ट में? नहीं भाई, नहीं आज तक निकले ये बड़े वाले हैं, ये मेरे दोस्त है, पर मैं अगेंस्ट रहूंगा। जो सच बात है वो सच है। आपको आपको अगर 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 मैं आपसे पूछूं कि ध्रुव राठी वर्सेस एलविस यादव आप किसे देखते हैं? पहली बात तो ध्रुव राठी इस सब में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत सी नहीं नहीं है। अभी बीच में ध्रुव राठी वर्सेस एलविस यादव हुआ था कंटेंट को लेकर, किसे देखते हैं आप? मैं तो ध्रुव राठी। आप भैया? भाई एलविस यादव, ध्रुव राठी तो बेकार है, और उसने वो भी मोदी के बारे में भी तो बोला था, वो तो ऐसे ही बोलता है भाई। नहीं, आप किसे पसंद करते हैं ध्रुव राठी? एलविस यादव, सिस्टम ऑन टॉप, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़। किसे? ध्रुव राठी। बगल में भैया खड़े हैं सिस्टम, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस एक ही को सपोर्ट करता हूं। किसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये मुझे भाई इसके साथ बहुत गंदा वाला कांड हो गया, बहुत कुछ बातें होती है, लेकिन मैं तो बस एक ही चीज पे फोकस करता हूं, अपनी पढ़ाई पे बस। भैया आपको सही सही बता दूं ना, मैं एलविस यादव को सपोर्ट करता हूं, ना मैं ध्रुव राठी को सपोर्ट करता हूं, मैं देखता भी नहीं हूं उन वीडियो को, मैं तो पहली बार ये बातें सुन रहा हूं उनकी। आप किसे सपोर्ट करते हैं? मतलब भाईचारा ऑन टॉप, सिस्टम, सिस्टम फाड़ देंगे बस भाई, सिस्टम है एलविस यादव। अच्छा, पुलिस ने गिरफ्तार किया है 14 दिन की एलविस यादव को, मतलब रिमांड में लिया गया है, कह सकते हैं जेल हुई है। क्या लगता है कि युवा उनके साथ खड़े हैं? हाँ, सब खड़े हैं भाई, ये सारे, तू भाई तू हट जा भाई, हमें भाई सिस्टम के, सिस्टम फाड़ देंगे। और अगर मान लो साबित हो गया कि एलविस यादव होने का ही नहीं है, एक बात कहा कि अगर मान लो हो गया तो फिर क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, साबित होगा, कंफर्म होगा कि एलविस फंसेगा, और वो सच बात है। अगर पुलिस पकड़े, इतने दिन से तुम ये कांड करते आ रहे हो, अब पुलिस पकड़ेगी, अब तुम नहीं, सच बात देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये चीजों को समझते नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया जो ट्रेंड चलता है ना उसी पे आ जाते हैं, सिस्टम सिस्टम। आपने एक रील देखी होगी, बाप के पैसे, बाप के पास पैसा नहीं है, बेटा कह रहा है सिस्टम सिस्टम, अब वही हाल इनका है। अच्छा भाई, ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं मैंने से कमाया। मैं एलविस को ना बहुत पहले से देख रहा हूँ, वो बंदे का नेचर पता चल जाता है। जैसे एलविस को जैसे मैं तेरे साथ रह रहा हूँ, मेरे को तेरे का नेचर पता है भाई। हालत खराब हो गई इनकी, बिग बॉस के पहले वो उनकी वीडियोस काफी अच्छी लगती थी, मैं सपोर्ट करता था इसको, बस ओटीटी के बाद उनका चेंज होगा, बिहेवियर ही चेंज हो गया प्रॉपर। भाई बिहेवियर चेंज होता है, सब में होता है, फेम आता है ना बंदे को, थोड़ा बहुत होता है, बंदा ये नहीं कि हाँ नॉर्मल रह जाए, डाउन हुआ है ना बंदा, फिर से नॉर्मल हुआ है ना, फिर से फेम के साथ फिर से नॉर्मल हुआ ना। और पहली बात, 14 दिन की जेल वो रिमांड वाला, कुछ नहीं, बातचीत होगी और क्या, अगर पूछताछ ही तो दी है, कोई पूछताछ है, रिजल्ट आएगा तो खुद पता चल जाएगा, आपको भी, इनको भी, हमको भी भाई, वो बात तो पता ही चल जाएगी, क्या सच है क्या झूठ है। नहीं भाई, रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट तो डिक्लेयर हुआ पड़ा है भाई, सिस्टम तो भाई अभी अभी पुलिस जांच कर रही है, आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। नहीं भाई, डिक्लेयर हुआ पड़ा यार, तुम्हें ही पता है, हमें ही पता है भाई, बाहर आ जाए कुछ भी होने लगे उस पर, बस 2 दिन का खेल है ये, 2 दिन का बस, और कुछ नहीं है उसके बाद। अच्छा, कहते हैं कि अगर मतलब अपने आप को ग्रो करना है तो एलविस यादव से लड़ाई कर लो, चाटा मार दिया उसको, पैसे मिल गए, वीडियो में काम मिल गया उसे, बस चाटा मार दिया, तू खालेगा चाटा। अच्छा, लगता है कि युवाओं को मतलब ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो उग्र होते हैं आपके हिसाब से, मतलब जेन्युइन बता दीजिए बस। जिस तरह से अभी जो चल रहा है ना लड़ाई वगैरह, तो करंट में तो हिसाब से वो नहीं करना चाहिए, पर मैं स्टार्टिंग से देख के आ रहा हूँ, मुझे नेचर बंदे का पता है, वो अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, मैंने देखा है, सबसे ज्यादा अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार, और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी बात, और इस स्टार्टिंग में उनका नेचर पता चलता है, कैसे बंदा वीडियो में दिखाता अपना पर्सनल लाइफ दिखाता, बंदा ऐसा कोई भी नहीं जो अपनी पर्सनल लाइफ दिखाता है, और पहली बात तो कोई वीडियो भी नहीं बनाता था पहले, उनको देख देख के अब बंदा वीडियो बनाने लग गया है। आपको क्या लगता है भैया कि युवाओं को ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, मतलब कोई भी हो, मतलब अलग
एलविश भैया को तो करना चाहिए। अरे भाई करना भाई, कट्टर है हम लोग। ये बताए ये बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, स्टार्टिंग से फॉलो करते आए हम तो। बिग बॉस ने भी उन्हीं को वोट दी थी हाँ। और उन्हीं को ही करेंगे आगे तक। ठीक है, कौन सा वोट लगाइए एलविश भैया को बिग बॉस में? अच्छा, जब वो वाइल्ड कार्ड से जीत गया है, वरना आज तक कोई जीत के नहीं आया वाइल्ड कार्ड से। और कटारिया भी साथ में रहता है उसके, हमेशा रहता कटारिया, दोस्तों के दोनों है। ठीक है, ये थी युवाओं की राय एलविश यादव को लेकर और तमाम। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।